समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रत्येक जनपद के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गठबंधन के सभी पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इसी क्रम में बलिया के पार्टी कार्यालय पर जनता उन्नति पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ओम प्रकाश चौहान ने अपने विचार व्यक्त किए और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर जोर दिया। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में विलंब से आया, इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अपने पिता के बुजुर्गों को और सभी साथियों से माफी मांगता हूँ। मुझे आने में कुछ विलंब हो गया, लेकिन मैं संचालक महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने विलंब से आने के बाद ही मुझे 2 मिनट का बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, आज जिला स्तरीय इस कार्यालय पर समाजवादी पार्टी और पूरे गठबंधन के दलों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी दलों के बैठे हुए नेतागण, आप सभी साथियों को मेरे तरफ से यथायोग्य सादर चरण स्पर्श नमस्कार। नमस्ते। जय पृथ्वीराज चौहान, जय समाजवाद, जय सुरंग। सम्मानित साथियों, मैं कुछ कहने के पहले एक बात कहना चाहता हूँ। मंजर ये वीर नृत्य राही को जुनून साथी में जगाना पड़ता है, लेकिन पूजा पक्षियों से घोषणा कैसे बनता है, वो बोली दिन का तिनका जुटाना पड़ता है, जुटाना पड़ता है, जुटाना पड़ता है। सम्मानित साथियों, 2022 का चुनाव आ गया है और 2022 के चुनाव में हम सभी साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं यहाँ आया देर से, किसी साथी का भाषण सुन नहीं पाया, लेकिन हम सभी साथियों का यह आभास है, यह अंदाज है कि हम सभी साथी आए हैं किसी एक प्रदेश से, जो समाजवादी सरकार इस प्रदेश में बैठी हुई है उसको हमको उखाड़ फेंकना है, इसके लिए हम सभी साथी यहाँ आए हैं। सभी साथियों पर मुझे बात से कहना चाहता हूँ कि हम सभी साथियों की एक ही नियत है कि जो ये देश से बैठी हुई जो जनप्रतिनिधि, ये सही थी कि मैं 15-15 लाख दूंगा, लेकिन वादा खिलाफी करने वाली सरकार को हमने उखाड़ फेंक देना है। तो हम सभी साथी भी आपके साथ हैं, आपके साथ मिलकर इस सरकार को उखाड़ने अपना आपके साथ रहेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ अपने आए हुए सम्मानित साथियों से, हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हम सभी साथी इस सरकार को उठाकर फेंक कर समाजवादी सरकार के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए और